राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी अपने हिसाब से एजेंडा तय करने में लगी हुई है। बीजेपी के अभी तक की रणनीति से ऐसा लग रहा था कि पार्टी और पीएम मोदी समान नागरिक संहिता और पसमानदा मुस्लिमों का मुद्दा उठाकर चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में सीएम योगी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि पूरा एजेंडा ही बदल गया है। आगे बढ़ने से पहले जरा आपको सीएम योगी का वो बयान सुनाते हैं जिसने इस वक्त तहलका मचा रखा है। देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। देखिए, मैं ईश्वर का भक्त हूँ लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता हूँ। आपका मत, आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपने मस्जिद, अपने इबादत गाह तक होगा, सड़क पे प्रदर्शन करने के लिए नहीं। और इसको आप जो है किसी भी अन्य तरीके से दूसरे पे थोप नहीं सकते हैं। नेशन फर्स्ट, अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मजहब। अब योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले तक यूसीसी को लेकर सवाल था कि ये लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन सीएम योगी ने जिस आक्रामक तरीके से ज्ञानवापी पर अपनी राय रखी है उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की रणनीति में बदलाव हुआ है और तीन राज्यों के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव का मुद्दा पूरी तरह से बदल सकता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सीएम योगी का बयान सूची समझी रणनीति का हिस्सा है। वैसे आपकी क्या राय है बीजेपी की इस नई रणनीति को लेकर, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।